दिवाली के अवसर पर पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पूजा अर्चना करने के बाद केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के स्वागत में 2 टन फूलों से सजा है केदारपुरी। कल त्रेता युग जैसा दिखा रामनगरी अयोध्या। सीएम योगी ने सरयू घाट पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला के साथ की आरती। 3 लाख दीयों से जगमगाती दिखी अयोध्या, लेकिन राम मंदिर पर सीएम योगी ने साधी चुप्पी। सीएम योगी ने इलाहाबाद के बाद अब फैजाबाद का नाम बदलकर किया अयोध्या। नाम बदल जाने पर विपक्ष ने साधा निशाना, कहा 4 सालों तक कुछ नहीं कर पाई योगी सरकार। राजधानी लखनऊ में दीपावली से पहले टीम इंडिया का बड़ा धमाका। 71 रनों से वेस्टइंडीज को रौंदने के बाद टीम इंडिया ने देश को दिया दिवाली गिफ्ट। लखनऊ के एकाना स्टेडियम के नाम बदल जाने पर सपा का बीजेपी पर बड़ा हमला। सपा ने कहा छोटी मानसिकता को दर्शा रहा है योगी सरकार। आपको बता दें कि मैच से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी ने पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा था स्टेडियम का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रामनगर में जेटी पर उतारा जाएगा। 8 नवंबर से मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए दिल्ली में 10 नवंबर तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी की तैयारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को दिवाली के बाद दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की सलाह दी है। केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने के दूसरे दिन भी माहौल गर्म रहा। मंदिर के नजदीक पहुंची एक महिला को करीब 200 लोगों ने घेर लिया और धक्का मुक्की की। वहीं पुलिस ने बीच बचाव कर महिला को वहां से ले गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। अलग अलग राज्यों के दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन में ममता बनर्जी के फॉर्मूले ने एक बार फिर असर दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने कैराना, गोरखपुर और फूलपुर में विपक्षी गठबंधन की सफलता के बाद कर्नाटक लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में जद एस कांग्रेस गठजोड़ में भाजपा को पटकनी देकर 2019 की विपक्ष की राजनीति को खासी धार दी है। सिग्नेचर ब्रिज विवाद के बाद सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की है। उन्होंने आप विधायक अमानतुल्ला के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, धमकी देने और गालियां देने की शिकायत की है।